तो जिस वीडियो का इंतजार था आपको वीडियो फाइनली सामने आ गई है। और आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में जो करंट सिनेरियो हुआ, जो भी वार हुआ ईरान और इसराइल के बीच, जो भी थोड़े बहुत हुए स्टार्ट हुआ, जो मार्केट में टेंशन पैदा हुई, तो भाई साहब हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर थोड़े टेंशन में थे, लेकिन आज मार्केट रिकवरी थोड़ा बहुत किया। अब रिकवरी करंट स्टेटस, क्योंकि आज के लगातार मैं अपडेट्स आपको लगातार देता जा रहा हूं, तो अभी देखते हैं कि करंट जो सिनेरियो है क्या लेटेस्ट अपडेट उनके तरफ से मार्केट में है। चलो देखते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी जो सेंसेक्स की कहानी थी, लगभग 550 पॉइंट नीचे गिरा था। अभी जो करेक्शन देखो, अभी देख सकते हो, मैं लेटेस्ट अपडेट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये है 1 बजे की, और मार्केट अभी 564 पॉइंट नीचे है, 564 पॉइंट नीचे है। अब ऐसे कंडीशन में देखो, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपको आज के एनएवी चाहिए तो बेसिकली हमें 3 बजे के पहले पहले अपना सबमिट कर देना है, मतलब हमारे बैंक से पैसे बेसिकली फंड हाउस में पहुंच जाने चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपके पास पहुंचेगी 1:30 बजे तक, 1:15, 1:20 तक। लेकिन वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, जो भी आपका प्लान है लमसम करने का, क्योंकि भाई साहब हम ना मौके पर चौके नहीं छक्के मारते हैं। तो बेसिकली देखो, 10,000 के लिए मैं बताऊंगा कितना लमसम करना है, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, जो भी आपका आज का प्लान होगा, मैं उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ मैंने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, और उस फंड में आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल लमसम पहली बार करना चाह रहे हो, मैं फंड को डिटेल में नहीं जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ग्रो ऐप खोलूं फिर डिटेल में बताओ, बिल्कुल नहीं करने वाला। फंड का नाम बता रहे हो, आप कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ग्रो ऐप का प्रमोशन, भाई साहब मुझे ग्रो ऐप कुछ नहीं देता, सच बता रहा हूं। बस क्या है, मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, और इन्वेस्ट करने से मुझे, मैं आपको जो समझाता हूं, इंटरफेस अच्छा दिखता है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप चाहो तो एएमसी की वेबसाइट से कर सकते हो, बैंक से करो, जहां आपको ठीक लगे। बस यही मैं बोलता हूं सर, रेगुलर फंड मत लो, डायरेक्ट में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट में आपको ऐप से कर सकते हो, तो ऐप ऐसा नुकसानदायक नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐप में, आप ऐप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो वो अलग बात हो गई। 10,000 की बात करेंगे सर, 10,000 के अगर प्लान कर रहे हो तो आपको 5,000 कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड में कर दो लमसम, और 5,000 आदित्य बिरला सनलाइफ पीएसयू फंड में कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो लमसम का मैंने ड्यूरेशन बता रहा हूं, कम से कम 2 साल टाइम ड्यूरेशन, ध्यान रखना। ये नहीं कि लमसम आपने कर दिया है तो आप ये रोज देख रहे लोगों पोर्टफोलियो कि आज मेरा पोर्टफोलियो कितना हो गया, अभी चेक कर लेते हैं, चलो कितना हो गया, नहीं साहब कोई मतलब नहीं देखने का यार। कम से कम ध्यान रखना, अभी इस सिचुएशन में जो भी आप लमसम कर रहे हो, कम से कम 2 साल तक आपको टच नहीं करना है, 2 साल तक आपको स्टेटस देखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना बाकी मेरी बातों का। 5,000 कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड, 5,000 आदित्य बिरला सनलाइफ पीएसयू फंड में कर सकते हो, दिस इज फॉर 10,000। अब कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे 20,000 के लिए, 20,000 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 10,000 आप कर सकते हो HDFC मिड कैप फंड, ठीक है, और 10,000 कर सकते हो क्वांट लार्ज मिड कैप फंड, दोनों का रिटर्न सर मोर देन 18% मिला है अभी तक, और नए फंड नहीं है, बहुत पुराने फंड है। तो 10,000 HDFC मिड कैप फंड में कर सकते हो, 10,000 क्वांट लार्ज एंड मिड कैप मैंने बता दिया, चलो ठीक है, 20,000 खत्म कर लिया अपन ने। तीसरे आते हैं सर, कुछ लोग का हो सकता है कि प्लान होगा 30,000 का, तो देखो आपके पास अगर पैसे अच्छे खासे हैं, 1,00,000 का प्लान है, उसमें से मैं यही कहूंगा कि 30,000 ही करो, ठीक है ना। तो 30,000 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो सर, मेरा ऐसा मैं करता हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री हो कुछ लोग ना हो, सब अलग अलग स्ट्रेटेजी है लमसम करने का। 30,000 अगर मेरे पास है तो मैं तो देखो अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। 10,000 आप ले सकते हो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड में, देखो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लिया मैंने, ठीक है। 10,000 आप ले सकते हो, एक मैंने बैंकिंग सेक्टर का फंड लिया, ठीक है ना, और 10,000 एक मैं लार्ज कैप कंपनी का फंड लिया, ये सेफ है, सेफेस्ट है, इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हम रिस्क लिए, मतलब देख सकते हैं ना, थोड़ा सीनियर खिलाड़ी कुछ है, कुछ बिल्कुल जूनियर है, कुछ एग्रेसिव है, तो ऐसे करके ना लॉन्ग टर्म में आपको सर रिटर्न ठीक ठाक बन जाता है, यू कैन एक्सपेक्ट 16-18% लॉन्ग टर्म में की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 30,000 आपको पता चल गया, 10,000 तीन हिस्सों में आपको लगभग डिवाइड करना है, ठीक है, चलेगा। चलो सो अगर 50,000 की बात करें तो 50,000 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, आप देख सकते हैं बेसिकली सबसे पहले 10,000 मिड कैप डिग्री फंड है, 20,000 मिड कैप है, क्वांट मिड कैप की बात करेंगे, ये 10,000 में निपॉन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ले सकते हो, वो भी मिड कैप का है। 20,000 में क्वांट मिड कैप ले सकते हो, वो भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एंड अगेन 20,000 मोतीलाल ओसवाल, मेरा फेवरेट है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं मैक्सिमम जब भी थोड़े बहुत अगर लमसम करने का होता है। तो ये 50,000 को बेसिकली 3 हिस्सों में, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन मैं वही दोबारा कहूंगा कि सर आपके पास अगर पेशेंस है, थोड़ा बहुत आप लॉन्ग टर्म में
इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, तो भाई सब ऐसे में आप कर सकते हो। अगर सोचोगे सर हम मैं 6 महीने तक भैया देख रहा हूं, पता चला 6 महीने बाद मुझे पैसा निकालना है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल टच मत करना म्यूचुअल फंड, कोई भी कैटेगरी टच मत करना। सर अगर आप बोल 6 महीने के अंदर पैसे, फिर लिक्विड फंड ले लो, मतलब 6-7% मिलता है उसमें। आप अगर प्लान कर रहे हो कम से कम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो बस बिल्कुल भूल जाओ उसको ना, ऐसे फंड को। तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल 3 साल तक आपको देखना नहीं है ऐसे फंड, मैं आपको हमेशा बताता हूं। प्लानिंग शॉर्ट ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं करना है, तो आपने देख लिया ये 50,000 अगर आपके पास है सर, आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है। अब कुछ लोग का टारगेट सर आज का 1 लाख का होगा, सबसे पहले यही कहूंगा पूरा पैसा मत डालो, सबसे पहले यही कहूंगा आपके पास पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का। 20-30,000-40,000 कर सकते हो, पूरा पैसा मत करो, मैं यही कहूंगा पहली बात। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं अनाप सनाप पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं है, मैंने इमरजेंसी फंड अलग से निकाल के रख लिया है, आप तो मुझे बता दो 1 लाख का टारगेट है आज, चलो बढ़िया। अगर ऐसा है तो बस मैं वही कहूंगा आपका कि सर 20-20,000 को आपको ना 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में? 20,000 को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं कभी नहीं कहता, इनफैक्ट जो इन्वेस्टर के जो जगत गुरु हैं, वॉरेन बफे का खुद कहना है कि सर देखो कभी नेवर पुट योर ऑल एग्स इन द सिंगल बकेट, एक ही बकेट में आपको सारे अंडे नहीं रखने हैं, थोड़े बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब 1 लाख को कुछ लोग बोलते हैं सर एक ही फंड में डाल दो, देखो डालना चाहो तो प्लान कर सकते हो, लेकिन उससे भी बेहतर क्या होता है, और बेस्ट क्या हो सकता है, और बेस्ट कैसे हो सकता है सर, उसको ना 20-20,000 करके 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। HDFC मिड कैप फंड, ठीक है, मिरा एसेट्स मिड एंड लार्ज कैप फंड, तीसरा SBI मैग्नम, चौथा है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखना मैंने यहां पास थोड़ा सा थीमेटिक फंड लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर या आदित्य बिरला PSU फंड, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप 20,000, और मोतीलाल ओसवाल फंड। देखो ठीक है, तो मैंने यहां 2 बैंकिंग सेक्टर के फंड डाले हैं, एक HDFC हो गया, एक अपना SBI हो गया, तो 2 बैंकिंग सेक्टर के हैं, एक मिड एंड लार्ज कैटेगरी का फंड है, ठीक है ना, और एक सिंपल प्योर मिड कैप फंड है, एक हमने थेमेटिक फंड लिया है, सेक्टोरियल फंड लिया है, क्योंकि जिस तरह भारत का बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो ये लोग मैक्सिमम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पोटेंशियल अच्छा है, इसका रिटर्न देखोगे 35-36% रिटर्न अभी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में मिलेगा ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह आने वाले 5 साल हैं 10 साल हैं वहां उम्मीद एक जताई जा रही है ये फंड अच्छा कर सकता है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर या आदित्य बिरला सनलाइफ फंड। सो ये वीडियो रहा कंप्लीट एनालिसिस म्यूचुअल फंड के बारे में, कंप्लीट पूरा। वीडियो अच्छी लगी तो पसंद बिल्कुल लाइक कर देना, दिल से लाइक करना, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लगातार बहुत ही आसान भाषा में प्रोवाइड करता हूं, और बाकी वीडियो के जो लेटेस्ट अपने नॉर्मल वीडियो रहती है वो लगातार आपको मिलती रहेगी, शाम को 7:30 बजे मिलेंगे, राइट, बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।